हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। आज हम स्वीट डिश बनाएंगे। क्योंकि त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, हम मीठे चावल बनाएंगे। क्योंकि कोई मोदक बना रहा है, कोई कुछ, वो भी चावल के आके सही बांधते हैं, हम चावल बनाएंगे। सिंपल स्टीक तरीके से बनाएंगे, कोई हम अलग से चाशनी नहीं बनाएंगे, अलग से चावल को नहीं उबालेंगे, तो इसलिए बहुत ही अच्छे चावल बनेंगे। हमने उसके लिए देसी घी लिया है और अब हम बादाम और काजू को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं इसी तरीके से, कोई ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता हमें। थोड़ा फ्राई करेंगे, ज़्यादा गर्म घी में नहीं डालना होगा तो जल जाएंगे। हल्के गरम घी में हम इन्हें थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और अब साथ में थोड़ा खोपरा भी ऐड कर देंगे। अब हमारे ड्राई फ्रूट्स भून चुके हैं, हमने चावल धो कर रखे थे, बासमती चावल लिए हैं और अब हम कर देंगे। मैंने यही एक कप चावल का लिया और पौना कप अब मैं चीनी का डाल रही हूँ। बहुत ही खिले खिले चावल बने हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अलग से चाशनी नहीं बनाई हमने, हम इसी तरीके से बनाते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। यही दो कप हम पानी के ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने चावल को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है तो पानी में उबाल आ गया। आंच को मीडियम कर देंगे और अच्छी तरह से पकने देंगे। मीडियम इसलिए करना है क्योंकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएंगे, बहुत ही खिले खिले चावल बनेंगे। हम याद रखना गाइस, हमने एक कप चावल लिया है, दो कप पानी लिया है और आधे से कुछ ज़्यादा चीनी ली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा चीनी कर सकते हैं, क्योंकि मीठा कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है। कुछ देर हम इन्हें अब ढक कर पका लेंगे। एक बार चेक कर लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना चाहिए। ऊपर ऊपर से जो हमने बादाम काजू डाले हैं, खोपरा डाला है, उनको बीच में मिक्स कर देंगे। देसी घी डालना चाहिए, बहुत अच्छा, सेहत के भी अच्छा रहता है, तो बहुत ही स्वादिष्ट डिशेज बनती हैं। जो हमने हमारे घर में ही देसी घी तैयार किया हुआ है, तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे चावल बन गए, कितना बने। वाओ, हमारे चावल अब बन ही गए हैं। जब ये डॉट्स डॉट्स आ जाएं तो समझ लो हमारे चावल अब तैयार हैं। तो हम अब इस स्टेज पर इनमें जो हमने केसर दूध में भिगो कर रखा था वो डालेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। सारे में नहीं डालेंगे, इसलिए वो कुछ वाइट से येलो से बहुत अच्छा कलर बनेगा। अब हम इन्हें 10 मिनट रेस्ट देंगे, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत कच्चा पक्का होगा अंदर तक बन जाएंगे, वो अपनी स्टीम से बन जाएंगे। हम अब गैस को बंद कर देंगे।
अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, हमने रेस्ट करने के लिए रखे थे जो चावल। देखो कितने खिले खिले बने हैं, वाओ देखिए मान जाएंगे आप। अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं सर्विंग प्लेट में। इधर दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए व्हाइट सा और येलो सा कितना अच्छा कलर आया है, मिक्स खिले खिले एकदम खिले खिले चावल बने हैं। तो देखिए गाइस अपने सुंदर से स्वीट ब्यूटीफुल दिखने में भी कितने सुंदर है, खाने में भी कितने टेस्टी होंगे ना, लाजवाब वाह कमाल होंगे। तैयार हैं अपने मीठे चावल बनकर, देखो कितने खिले खिले बने हैं, कोई झंझट नहीं करना पड़ा, वेरी इजी वेरी टेस्टी, कम समय में इतने अच्छे चावल बन के तैयार हैं। क्योंकि हमें कोई भी कुछ भी करने का, अलग से उबालने का, चाशनी बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, इसी तरीके से बहुत अच्छे चावल बन के तैयार होते हैं। आपको रेसिपी कैसे लगी, आपको बनाने का तरीका कैसे लगा, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। आपके लिए मैं रेमेडीज़ और घरेलू नुस्खे रेसिपीज़ अच्छी अच्छी लेके आती रहूँगी।